मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। सलमान खान और शाहरुख की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है ये तो पूरी इंडस्ट्री जानती है। हमेशा ही दोनों एक दूसरे का जमकर सपोर्ट करते हैं। भले ही आज के टाइम में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सलमान और शाहरुख एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उस दौरान हुई लड़ाई के वक्त सलमान ने शाहरुख को लेकर काफी बातें कही थी। यूं कहें कि एक समय ऐसा था जब सलमान खान ने शाहरुख पर अपना गुस्सा अपने शब्दों के जरिए निकाला था। दरअसल कटरीना कैफ के जन्मदिन पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद से सलमान खान ने ऐसे कई सारे इंटरव्यू दिए जिनमें वो शाहरुख के लिए कहते नजर आए थे कि वो SRK को कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे ही एक बार सलमान ने शाहरुख को लेकर एक बात कही थी। शाहरुख खान मेरे भाई की तरह था, वो मुझे सर कहकर पुकारता था। उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहा था, मैंने SRK को लोगों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर काम मांगते देखा है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब भगवान ही आकर हमें दोबारा दोस्त बना सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो देखा आपने, सलमान ने अपनी बातों के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि स्ट्रगल के टाइम पर शाहरुख उन्हें सर कहकर बुलाते थे। साथ ही सलमान ने उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश की थी। बता दें कि दोनों के बीच ये लड़ाई काफी सालों तक चली, लेकिन बाद में दोनों के बीच पैचअप भी हो गया। इतना ही नहीं, दोस्ती होने के बाद सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे की फिल्म में फिर से कैमियो करना शुरू कर दिया। जहां सलमान की ट्यूबलाइट में शाहरुख ने कैमियो किया था, वहीं शाहरुख की जीरो में भाईजान ने उनका साथ दिया। वहीं हाल ही में सुनने में आया है कि किंग खान सलमान की फिल्म दबंग 3 में भी कैमियो करते नजर आ सकते हैं। बात करें दोनों स्टार्स के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जहां सलमान इन दिनों भारत दबंग 3 इंशाल्लाह और किक 2 में नजर आने वाले हैं, वहीं शाहरुख के पास फिलहाल कोई फिल्म नहीं है। वैसे आप सलमान और शाहरुख में से किस एक्टर के सबसे बड़े फैन हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Shut up!
सर फोटो हैंड्स अप सर पुढे पुढे